अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ये बेल आइकन दबाकर हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं। बी द फर्स्ट वन टू वॉच आवर वीडियोस। हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे मोर में। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको गैलेक्सी J7 मैक्स वाले में जिसे मिला है नया सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसे मिल चुका है नया लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, वो तो बाद में दिखाएंगे। आप देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड और आपके फ़ोन में भी अवेलेबल हो गया होगा, या आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस लिंक पर देखिए इसमें क्या क्या वो मिला है, क्या क्या फीचर मिले हैं, सब कुछ दे रखा है। व्हाट्स न्यू में आप पढ़ सकते हैं, बग्स फिक्स बता रहे हो और कुछ वो सब कुछ आप पढ़ सकते हैं उसमें। और दिखाता हूँ आपको फ़ोन खोल कर, तो चलिए शुरू करते हैं। खोलता हूँ फ़ोन, देखिए आपको इसमें नया सिक्योरिटी पैच मिलेगा, आप देख सकते हैं नीचे की साइड। और आपको सैमसंग एक्सपीरियंस में कोई चीज़ नहीं आया, वही 8.1 का 8.1 ही है। जैसे नोट 8 में 8.5 आ गए थे, इस फ़ोन को नहीं दिया गया है। तो अब चलते और नीचे की ओर देखते हैं, और जो इस वही 7.1 है, वही 7.1 भी नहीं, इसमें एंड्रॉयड 7.0 ही है, 1 का अपडेट भी नहीं आया है। और अब बात करते हैं ओरियो अपडेट की, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं ओरियो अपडेट कब तक आएगा। तो कल S9 और S9 Plus लॉन्च हुए ओरियो के साथ, तो लगता है कि इसमें भी जल्दी ओरियो आ जाएगा। 2 से 3 महीने में आपको ओरियो अपडेट भी मिल जाएगा। सबसे बात सैमसंग अब सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है, पहले इसमें जो जनवरी का था फरवरी का आ चुका है, तो उससे काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है सैमसंग सिक्योरिटी अपडेट में। बग्स भी फिक्स कर रहा है। इस फोन में प्रॉब्लम थी ड्यूअल सिम में, कई बार दोनों सिमों के टावर भाग जाते थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो बताइए। लगता है अब सैमसंग ने फिक्स कर दी, इससे पहले अपडेट आई थी उसमें फिक्स नहीं हो पाई थी। फिर मैंने भी काफ़ी ईमेल किए थे सैमसंग को, लगता है सैमसंग ने कुछ किया और वो फिक्स कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप यूर फोन अप टू डेट। वंदे मातरम।